उन्होंने अपने हाल ही में पोस्ट भी किया था सुम्बुल और साजिद उसपे, बिकॉज आप देख रहे हो हमें पता है, और साजिद पे आपने मीटू का डाला था, सुम्बुल पे भी आपने डाला, शालीन पे भी डाला था, क्या क्या लगता है आपने देखा रहेगा गेम फिर ही आपने उस पोस्ट किया रहेगा? मैंने कोई भी किसी के बारे में भी कुछ भी लिखा, मैंने गेम देख के नहीं लिखा था, मैं क्लिप्स थोड़े बहुत देखता था पार्ट्स में, और उस पर से मैंने जो दिखाई दिया, और मैंने एक ह्यूमर वे में ट्वीट्स किए थे, सो आई थिंक इट्स नॉर्मल। और इसके अलावा आपके फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट थे, वो घर में आपको देखना चाहते थे, चला खतरों इसमें भी देखना चाह रहे थे, खतरों में इनफैक्ट आपका इंटरव्यूज भी हुए थे, हाँ, बट कुछ अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं देख पाए, फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट है, मुनावर आपके बस उसके बाद किस तरह रियलिटी शो की तरफ मुनावर देख रहे हैं? कभी कभी ऐसे फील होता है कि ओके आई वॉन्ट टू बी देयर, क्या मैं 24 घंटा तुमको दिखूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं थोड़ा रुक के रखूँ, देखने सब मिलेगा, तो फिर एंड में यही सोचता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जब भी मुझे कुछ नहीं मिला है ऊपर वाले ने उससे बड़ी चीज़ मेरे सामने रख दी है, तो 2023 जो आने वाला इंशाल्लाह ईयर है उसमें बहुत सारी बड़ी चीज़ें आ रही है जो मैं अपनी ऑडियंस को लेकर आ रहा हूँ। कोई रियलिटी शो या फिर बिग बॉस जैसे रियलिटी शो करते हुए नज़र आएगा? वो तब की बात है, तब फाइनल होगा, बट जो मैं काम कर रहा हूँ अभी जिस प्रोजेक्ट पे जनवरी में, वो जनवरी में पता चल जाएगा, तो दैट आई एम वेरी एक्साइटेड। सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या आने वाला है एक आखिरी चीज, और न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस की विशेष सबके लिए, बहुत सारा प्यार सबको, और पार्टी करो, घर वालों के साथ ज़्यादा पार्टी करो, और ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना बस, बाकी तो सब चले, और जो भी अनाउंसमेंट है मैं जल्दी दूंगा नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच की मनोहर भाई, थैंक यू भाई, रुक जा रुक जा, एक मिनट का फोटो लेने दे, फोटो लेना है ना, फोटो उधर से कर रहे हैं, क्या आप विजुअल फोटो आप लो करना भाई, यहां पे भाई यहां पे नहीं जाएगा, एक मिनट रुक ये पांडे पांडे पांडे।